आज दुनियादार कहते हैं कि ये नारा छापरी लगाने वालों का है, ये नारा रेडी लगाने वालों का है, ये नारा ट्रक ड्राइवरों का है। तो आज उन्हें पता चल गया है कि छापरी लगाने वालों ने, इन रेडी लगाने वालों ने और रिक्शा चलाने वालों ने जब अपनी आवाज किबला बाबा जी की आवाज के साथ मिलाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, तो फिर पाकिस्तान नहीं बल्कि यूरोप के इवानों में भी गाजी तनवीर ने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया। ये नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह वाला, ये नारा अडियाला की जेल में गाजी मुमताज कादरी ने तख्तादार पर खड़े होकर लगाया। और अल्लाह की इज्जत की कसम, ये नारा आज शाम के बाजारों में लगा है, ये नारा आज यमन के बाजारों में लगा है, ये नारा आज पाकिस्तान की अदलिया की कुर्सियों पर बैठे जजों ने लगाया है, ये नारा आज पाकिस्तान के टीवी एंकरों ने लगाया है, पाकिस्तान के कलम निकारों ने लगाया है। और आज आप भी बाबा जी की आवाज के साथ जब आवाज मिलाओ और हाथ उठाकर बोल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या। और ये मत सोचना मैं अपने मुखालिफीन से कह रहा हूं, ये मत सोचना कि मेरे बाबा जी मौजूद हैं, मेरे बाबा जी मौजूद नहीं हैं, मेरे बाबा जी मजबूर नहीं हैं, और ये किसी दुनियादार के मजदूर नहीं हैं। मेरे बाबा जी अगर नौकर हैं तो हसनैन के नाना के नौकर हैं, मेरे बाबा जी अगर नौकर हैं सहाबा के नौकर हैं, मेरे बाबा जी अगर नौकर हैं तो मेरे मुस्तफा की आल के नौकर हैं। और आज आप भी मुस्तफा के नौकर बनकर मेरे बाबा जी की आवाज के साथ आवाज मिलाओ और बोल लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या रसूल, जीते रहो जीते रहो सलामत रहो। मेरे आला हजरत अजीमुल मर्तबत अच्छा अहमद खान बरेलवी फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाए के दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और मैं आपके सामने अपनी महफिल की रौनक, अपने मकसूद, अपने मतलूब किबला अमीरुल मुजाहिदीन और अमीर व सरबरा तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना पीर खादिम हुसैन ददवी साहिब से मुल्तमिस हूँ। आप अपने मुंह से जड़ते हुए फूलों को हमारी समातों के हवाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युदलिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ نور کی خیرات لینے لوگ تو اس پر جھگڑ پڑے نا کہ بھئی حضور نور ہیں یا نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں نبی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے جب گھوڑا چلا اس کے پاؤں سے جو گرد و غبار اڑا تو سورج اور چاند دوڑ پڑے وہ گرد و غبار لینے کے لیے کہا بھئی تمہیں کیا ہوا کہا کہ یہ جو گرد و غبار ہے نا جب ہم اپنے منہ پر ملیں گے نا تو ہماری نورانیت کے اندر اور اضافہ ہو جائے نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ اور دن رات آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں میں بھی آ گیا دن رات ہم حضور کے لیے کیوں کام کرتے ہیں اور کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی 12,000 شیل کا دھواں کھانے کے باوجود بھی میرا گلا نہیں بیٹھا اور وہ آدھے گھنٹے کے بعد باقی 3.5 گھنٹے وہ دھواں میرے اندر ہی جاتا رہا آدھا گھنٹہ تو میں نے وہ لگائے رکھا پھر میں نے اتار دیا
इसके बावजूद मेरा गला नहीं बैठा और ना मेरे फेफड़े खत्म हुए, ना मैं बेहोश हुआ। हालांकि दो तीन शैली आदमी के बेहोश होने के लिए काफी होते, लेकिन मैं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। क्यामत वाले दिन बाप भी दौड़ पड़ेगा, माँ भी बच्चों को दौड़ पड़ेगी, भाई भाई को दौड़ देख कर दौड़ पड़ेगा, यार यार नु वेख के नस पैना। तो मंजर की होना है? मेरे आका ने फिर ये उत्ते खुद अपनी शान बयान फरमाई, वाना वलुन्ना से खुरूजन इज़ा बोयसु, वाना कायदुहुम इज़ा वफदु, वाना खतीबुहुम इज़ा अनसतु, वाना शफीयुहुम इज़ा हुबिसु, वाना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसु, अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी, वलिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। हुज़ूर ने फरमाया सबसे पहले कब्र अनवर से मैं बाहर आऊंगा। फरमाया जब सारी दुनिया अल्लाह की बारगाह में पेश होगी तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यादत मेरी होगी। फरमाया जिस दिन सारी दुनिया चुप होगी उस दिन मैं रब से बात करूंगा, और फरमाया जिस दिन सारी दुनिया को रोक दिया जाएगा उस दिन मैं इनका शफी बनकर सामने आऊंगा, और जिस दिन सारी दुनिया मायूस हो जाएगी कि आज अल्लाह सिफत इंतकाम से जलवागर है, आज किसी की बच नहीं है, तो हुजूर फरमाते हैं मैं लोगों को कहूंगा क्यों मायूस होते हो, मैं जो मौजूद हूं। इसलिए ये भी सालाना लाखों रुपए लगाकर जो है वो अपना मिलाद मनाते हैं, मैं भी व्हील चेयर पर लगा फिरता हूं, और कभी भी जहन में नहीं आया कि अगर मैं ठीक हो जाऊं दो चार दिन वर्जिश कराऊं और अपना टांगे जो है वो उनकी दवाई शवाई लूं तो मैं भी ठीक हो सकता हूं, तो कभी जहन में भी ख्याल नहीं आया। मैंने कहा बड़ी बड़ी दुनिया बगैर बीमारियां तो मर गई, तो बड़े बड़े बीमार कई अरसा जिंदा रहे, मौतें भी ना आईया, तो ये तो फिर जिस दिन आनी उस दिन आ ही जानी, सेहतमंद की होया तो बीमार की होया, लेकिन हुजूर के सामने जाकर ये शर्मिंदगी तो ना होना। तो मेरे आका और मौला फरमाए हुए लोगों ने तो मुझे यहां पत्थर मारे दीन के लिए, तू मेरे दीन के लिए क्या करके आया? इस वास्ते मैं दिन रात मैं रात पूरी बैठा रहता हूं। अब जी कहां जी मियां वाली से लोग आ गए, बकर से आ गए, अब कराची से आ गए, वो वक्त मिलने आ गया, तो बाद दफा मैं मगरिब की रोटी सुबह के अजान के वक्त खाता हूँ, उनको मैं खिला देता हूँ, मंदिर कहते मैं रोटी खिलाओ, लेकिन मैंने कभी भी नहीं कहा मैंने रोटी खानी है उठ जाओ। तो मैं बैठा रहता हूं कि अगर मेरी वजह से दीन मुस्तफा को काम हो सकता है, लोग ये चाहते हैं कि हुजूर का दीन तख्त पर आए, तो करोड़ों अरबों मौलवी खादिम उस खाक पर कुर्बान जहां मेरे आका और मौला की सवारी चली। यार अभी तक मैं देख रहा था कि अभी आप सोच रहे हैं कि पत्नी नारा लगाना जायज भी है कि नहीं, और अभी तक आपके हाथ भी नहीं उठ रहे, आपकी जबानें भी नहीं खुल रही, तो फिर किस लिए खुलेंगी? ये किस लिए रखी हुई है आपने, ये हाथ किस लिए रखे हुए? वो अबू जेबी में या दुबई में एक पठान है ना, वो ऐसे ऐसे लब्बैक कहता रहता है ऐसे ऐसे, वो कहने लगा तू क्यों करता रहता है? कहने लगा मैंने वो बाबा देखा है लाहौर से पिंडी जाते हुए, वो ऐसे ही करता रहा, इसका मतलब यह है कि वो थका नहीं है, ऐसे लब्बैक कहने से हाथों में पावर आता है। ऐसे कर जाता है पीर मेरे अली शाह साहब के जमाने जो एक सरफराज खान रहंदा सी उत्थे गोल्डे शरीफ, वो पीर साहब नू कदी भी नहीं सी मिलन आया, उहदा बुगत सी पीर मेरे अली शाह साहब नू, बड़ा चौधरी सी मलक सी डेरेदार सी, ते उहदे जिहड़ा मुलाजम सी ना वो एक पीर मेरे अली शाह साहब का मुरीद सी, और पीर साहब को एक दिन बैठा रहे ते देर हो गई, जब जान लगा तो उन्हें क्या हजूर वो सरफराज खान तो वैसे भी तुहाडा दुश्मन है, ते मैं जदों कहा ना मेरे अली शाह कोल मैं आया तो उन्हें तो मैं कुटना है,
तो पीर साहब ने फरमाया अच्छा मैं तेनू एक रुका लिख देना जाके सरफराज खान नू कवी रुका मेरा पढ़ा देवी। वह जो गया ना सरफराज खान को तो उन्हें वेख दे उन्हें कहा किथे रहा उन्हें कहा पीर मेरे लिए शाह को बैठा रहा उन्हें कहा फलाने टिमकाने तनखा मेरी लेना मेरे लिए शाह को पहना उन्हें कहा जनाब इतने गुस्से ना हुआ अज पीर मेरे लिए शाह साहब तुम्हें खत लिखा उन्हें जो अंज खत पढ़िया ना तो उथ ही डठा तो फौत हो गया। जो फौत होया तो लोगों क्या भाई ए तू जहर दी इनू की किया उन्हें कहा मैं तो कुछ नहीं दिता मस्कीन आदमी है ए पीर मेरे लिए शाह साहब ने रुका लिखा होता उ पीर साहब ने उन्होंने लिखा किए ओ आखिर मैं तुम्हें इस वास्ते कह रहा यह ओड़क जड़ा ना गुड्डी जिथी भी चढ़ी हो टुट जानी अज हजूर आज ले इनकी पना अज हजूर वास्ते अपने हाथ थकाओ अज जबाना थकाओ जो थोड़े तो मेरे रोन की वारी आनी ना क्यामत हजूर फरमा दे मैं उम्मत नहीं रोन देंगा मैं खुद रो पवाना ऐसे वास्ते तो असं लगे फिर दे समझो इस गल अज तुसी रोवो हजूर वास्ते अज हजूर के दीन का काम तुसी करो अज अपनी जबाना तुसी थकाओ क्यामत वाले दिन हजूर फरमाते मैं खुद रब के सामने रो पवान दस ओए आला हजरत फरमाते ऐ दिल निकल जाने की जा है आ वो किन आंखों से दरिया बहाते जाए तैन समझ आया इस गल की तुम मुड़ के दलीलां पुछते हो हजूर नाल कि जी इंज करना ना ना इतने बगैर सोचे समझे हजूर नाल प्यार करो पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे खुदा ने वो वसाते दी है दामन महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। चलो ऐसे यही मकसद है और कोई मकसद नहीं व्हील चेयर होते बह के अपना जना अपना दिहाड़ वेखी ना रात वेखी लोग एक तो मौरख लिखन लगे भी अपना हाथ जड़ा वह काम खत्म कर देगा एक किंज हो सकता सी 19,700 पुलिस एफ सी जनाब इस्लामाबाद पुलिस हो शैल दियाँ वो जनाब 12,000 शैल दा देवन और जनाब एम जी दियाँ तो कलाशन कोफन दियाँ गोलियां चलान तो मौलवी फिर बैठे रहे उसे ये तो मौरख भी नहीं लिखेगा और कहेगा झूठ है नहीं हो सकता लेकिन इंज होया हाँ जी इंज होया इतने तक आ गए सन जितना मुनीर साउंड लिखे होया मैनू कहन लगे जी उते आ गए मैं कहा फिर की होया आ गए जलिया तो या शहादत है या गिरफ्तारी है लेकिन वह जुलजिलू तक तो रसूलों भी जाना पैदा है हाँ जी मदद उस वे आती जो जुलजिलू हो उस तो पहले मदद नहीं आदि जो जुलजिलू साडा भी होया कि लो जी हुण ते गए लेकिन फिर मदद आ गई फिर हजारा बंदे 40 बंद अगे नस पे मैं कहो इन्हू की होया कह लगे पता नहीं की होया इस्लाम फिर कंड नहीं लगन देता जो बंदा जावे इस्लाम वास्ते जावे इस्लाम ये पक्की गल है असि तो अपनी अख नाल वेख के आए सानू हुण कोई डराए असि तो डरन वाले हुण नहीं नजर आए असि तो अपनी अख नाल वेख के आए बिल्कुल सानू कदी कोई परेशानी नहीं है मेरे दो ही पुत्र सन भी मैं लैके गया होया कभी भी परेशान मैं तो पूछे भी नहीं मरे के जिंदा रहे मैं पूछ आखिर दिन भी मैं निका गायब ही रहा मैं किसी को मैंने कहते सन निका गायब है मैं आखिर चंगा शहीद हो गया तो नाल लाश लैके लाहौर जावे मजा आएगा सानू तो कभी जो बंदा एवं यरमू यरमू हो उसनू की पता है नामू से रिसालत का मसला क्या होता नामू से रिसालत का मसला यह है हाँ जी 12,000 शैल भी होवन जैसे क्या सितम कर धरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमा बिल्कुल कभी भी परेशानी नहीं है हाँ जी बिल्कुल कभी भी परेशानी नहीं तो इंशाल्लाह फिर भी मौका बनया तो असी हजूर के दीन एवं नहीं आना लेकिन एक गल मेरी तुसी याद रखनी सुत्या सुत्या दीन नहीं आना मेरी तकरीर सुनने तो बाद जाके तो जी किंज मौलवियां लियाना है वह मौलवियां नूं की पता है हुकूमत करन दा तुसी मौलवियां नूं आण तां दिओ मैं तुहानूं सच्ची गल कर रहा यह तो 50 किस्म के तुहाडे कोल टैक्स लैंदे ना फैक्ट्रियां कोलों इस्लाम में टैक्स नहीं लवेगा सिर्फ कहेगा 2.5% जकात दो हाँ सिर्फ 2.5% इस्लाम लैके तुसी वेखना तो सही जकात लैण वाला कोई नहीं होना तुसी उशर लवेगा इस्लाम सदके लवेगा खैरात लवेगा फितराने लवेगा ऐ जी सेल टैक्स ते फलाने टैक्स कौम नूं तबाह करके रख दिता मौलवी 50 लाख एक दिन का खर्चा है वजीर आजम हाउस का सदर हाउस का कितना होना है ते जनाब वजीर आला हाउस का गवर्नर हाउस का कितना होना है इन्हां गुंडियां दे खर्चे एक दिन बंद कर दो अद्धा कर्ज तो उस दिन लै जाएगा पाकिस्तान मैं तो ना सच्ची गल ये तो इस्लाम गाला मैनू कट दे असल तो इस्लाम के खिलाफ बोल देन भाई इस्लाम दी गल्लां करना इकबाल कहता है जानता हूं मैं इबलीस की शूरा इबल मजले से शूरा बुलाई इबलीस ने उहदे विच ट्रंप भी आया मोदी भी आया इसराइली भी आया हाँ यमा वो जनाब दूसरा बरतानिया वाला भी आया कनेडा वाला भी आया तो वो कहने लगा जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिले कुरान है इकबाल ने ना ये लिखा इबलीस का खिताब मजलिस शूरा
कहना जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, ये रात तिलावत सुन के झूमन के सही, लेकिन सवेरे कहन के कुरान का निजाम किन जाना, कुरान की गल कदी नहीं। वह कहते एवं बोली खादिम लगा रहा कुरान, कहता जानता हूं मैं कि उम्मत हामिले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन कदी। 70 साल हो गए कुरान नाल मजाक कर दें, 70 साल हो गए कुरान नाल मजाक कर दें। ओ वजीर आला जड़ा उसने गल भी ना सुनी, वो जैनब के प्यो की वो स्पीकर अपने हाथ नाल बंद किया। एडा भी कोई होना बड़ा फिरौन के मजलूमा ते मकतूला बची ते मजलूम प्यो उन्हें गल करन दी भी इजाजत ना होवे। मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना ना वो हजरत उमर नूं मिंबर उत्ते पुछ लैना, दसो जी ए कुरता कित्थों बणिया। ये तो मतलब सहाबा ते पूरी उम्मत सहाबा दी करदे राह नूं नहीं पहुंच सकती। जदों हजरत उमर दी शाना जाए बंदे को पूछा जा सकता है कित्थों बणिया जी कुरता, हजरत उमर ये फरमान नप लो इन पता नहीं मैं उमर हाँ। एक मजलूमा बच्चे की मकतूला बची दे बंद प्यो की गल भी ना सुने अपने हाथ नाल स्पीकर बंद कर दे, जालिम है तो मेरे नाल कितना जालिम होना होगा, तुहाड़े बारे मेरे उदे की नजरियात होने कि इस कौम को किस तरह बर्बाद करना। तो जिन्होंने नहीं ना समझ आती उन्होंने साड़ी गल नहीं, उन्होंने कुरान हदीस भी नहीं समझ आता, हाँ उन्होंने मसला खत्म नबूवत भी नहीं समझ आया। हाँ जी इस तो बाद भी जिस बंदे नामूसे रिसालत का मसला समझ नहीं आया वह मौली खादिम के घाटे लगता मुड़ के कि जनाब नहीं 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 मेरी खादिम डाडिया गल करना। मैं आखा जलिया डाडी गल ये नहीं करता, मैं तो वही कुछ बयान करना जो कुरान ते हदीस मौजूद है। हाँ जी तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत, इकबाल बोलिया कहन लगा तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुवाफिक तदरवा नहीं दीने शाहबाजी। इकबाल कहता है शाहबाजा का दीन सी, तू बदलिया ना शरीयत भी बदल गया, यह शाहबाजा का दीन बटेरिया के मुवाफिक तो नहीं ना हो सकता। हाँ जी हाँ जी मैं जिस दीन दियां गल्लां करना होते हजरत उमर नप लैंदा, हाँ मैं जिस दीन दियां गल्लां करना होते हजरत उमर के सामने माई गल करे तो हजरत उमर रो पैंदे। माई गल की थी हजरत उमर मुल्क शाम तो वापस आ रहे, अब्दुल्ला बिन मसूद भी नाल ते मौला अली भी नाल। हजरत उमर फरमान लगे यार तुसीं अलहदा हो जाओ, मैं अपनी रियाया की खबर लवा उमर के बारे इन्हों का की ख्याल है। हजरत उमर चलदे चलदे एक माई बुढ़ी के खैमे चले गए, माई उरी उत्थे बैठे, फरमाया माई उन्होंने नहीं पता माई नूं यही उमर है। उन्हें कहा माई जान दी उम्र कितने, उन्हें कहा सुने मुल्क शाम गया, इस तो ज्यादा मैंने जरूरत भी कोई नहीं उम्र के बारे कोई जानन दी। हजरत उमर चौंक है, फरमाया माई खैर है उम्र नाल इतनी नाराज है। उन्हें कहा नाराज नहीं होना, जो तो हुक्मरान बनया मेरे खैमे खबर लैनी नहीं आया। हजरत उमर फरमान लगे माई तेन पता नहीं इतनी वड्डी सल्तनत होती ते तेरे खैमे किवें उम्र आ सकता सी। माई ने कहा उमर नू जाके पैगाम देवी उतनी सल्तनत रखे जिदे खैमे जा सकदा, बाकी छड़ दियो। माई ने हजरत उमर के सामने गल की ते पता है फिर हजरत उमर ये नहीं फरमाया भाई नप लो माई नू, फरमाया वाह उमरा, आप उत्थे खड़े होके रोन लग पे ते फरमाया वाह उमरा वाह उमरा, फरमाया वाह उमर ए माई तेरे नाल डाडी गल कर गई। ते माई दी गल सुन के जिन्हां दी निगाह नाल सूरज भी बेनूर होवे इतना जलाल होवे जिदा खत दरियाए नील सुटिया जाए तो वह भी चल पवे, जमीन उत्ते डंडा मारन ते जमीन हिलती बंद हो जाए ते तेल रुड़िया होवे ते लौंडी रो रही होवे ते फरमाओ जमीन तेल बार कढ, इतनी शाना दे मालिक होन ते माई गल करे ते उमर रो पवे। तो भी खैमे वाली माई मैं इस इस्लाम दी गल करना, ए इस्लाम तख्त ते आएगा ते गरीबां दी गल हो बस। मैं कदी भी नहीं कहा मौलवियां नूं लियाओ पीरां नूं लियाओ फलाने नूं लियाओ, मैं कहंदा मुहम्मद अरबी दा दीन लियाओ, बस उस दीन तख्त उत्ते लियाओ। हाँ बिल्कुल असी तुसी जेड़ी ड्यूटी लाई मैं मौली खादिम दी डी चौक के झाड़ू दे तुसी क्या ना झाड़ू दे थे मैं झाड़ू दे अंदर असानू की करना है। खुदा ने वो बंदे उत्ते आओ हजूर का दीन लियाओ। सिद्दीक अकबर दुनिया तो जान लगे थे दो चादर फरमाया नवियां लै लेना, एक चादर आप दी बीमारी की हालत जो पई सी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने फरमाया धो के मैं पवा देना। उम्मुल मोमिनीन रो पईया, उन्हें कहा अब्बा जी अस इतने तो कमजोर नहीं ना तुहानू पूरा कफन ना दे सकीए, फरमाया बेटी नहीं जिस मकाम ते मैं जा रहा उत्थे कपड़े नहीं पूछे जांदे के केड़े पा के तू आया। इतनी शाना दे मालिक होवन इस्लाम मकरूज होवे क्यामत तक सिद्दीक अकबर दा। हुजूर फरमांदे मैं सारे दे कर्जे उतारे सिद्दीक का कर्जा नहीं उतारिया। इतनी शाना दे मालिक होवन हजरत उमर कवन दिल नाली नेकी दे दे, जदों तू मुर्तदीन के खिलाफ लश्कर भेजा ते मुनकरी ने खत्म नबूवत के खिलाफ ओ नेकी दे दे या गार वाली नेकी दे दे, उमर दियां सारियां नेकियां लै लै। इतनी शाना दे मालिक होवन ते दुनिया तो जांदे कमन
नहीं नहीं मैंने कपड़े अच्छे नहीं चाहिए, ये तो कब्र च पूछा जाएगा सिद्दीक दे अमाल केड़े। मैं उस इस्लाम दी गल कर अफजलुल खल्क बादर रसूलों ते हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर तनख्वाह लईए, पता है तुहानू तनख्वाह लैके, लेकिन तनख्वाह कितनी लई जिहड़ी आम एक मजदूर की तनख्वाह सी मदीना मुनवरा च। इन्हां दीआं गुंडागर्दियां ही नहीं मुकदियां, बाहर जाके एक एक लख डालर की रात एक एक कमरे गुजार देन, जिस कौम के थर के बच्चे भुखे मर रहे होवन। सिद्दीक अकबर एक दिन अपनी बीवी नूं क्या फरमाया, मिठे ते दिल करदा, उन्हें कहा मिठा कितों लिया, भी ये तनख्वाह ही नहीं इतनी लभदी, मिठा तो मैं नहीं पका सकती। कुछ अरसे बाद सिद्दीक अकबर के सामने उन्हें मिठा रखा, फरमाया आज ये मिठा कितों आ गया, उन्हें कहा जी तनख्वाह लभदी ना थोड़ा थोड़ा मैं बचा रही। सिद्दीक अकबर मिठा नहीं खादा, उठ के चले गए बैतुल माल के खजानची को, फरमाया सिद्दीक की इतनी तनख्वाह कम कर दो। मैं इस इस्लाम दी गल कर, तवज्जो जी तवज्जो, सहाबा दे जायके जबान ते नहीं सन, तुहाड़े मेरे कोई 20 किस्म दे खाने खाइए ता जायके बदलने, 20 किस्म दे कपड़े पाइए ता जायके बदलने, सहाबा कोई समझते कोई मखलूक ही और सी, ना ना ओ ही जनाब 6-7 फुट दे सहाबा दे कद सन, हाँ जी उन्होंने भी बच्चे सन, उन्होंने जबाना दे जायके भी सन, वह हुक्मरान भी सन, सल्तनत भी हुई, कैसर किसरा भी फतेह हुए, ते 36 पैबंद लगे हुए, हजरत उमर बैतुल मुकद्दस चले गए, 36 पैबंद लगे सन, जो माई नाल गल कर रहे सन उस वे खैमे में 36 पैबंद लगे हुए सन, ते माई जो हजरत बाद आए ना अब्दुल्ला बिन मसूद हजरत अली, उन्हें कहा असलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन, ते माई चौंकी, माई सिर नू हाथ मारन लग पई, मैं उमर के सामने इतनी डाढ़िया गल्ला कीतियां, पर मैं माई नहीं 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 तेरा हक बनता सी तू उमर के खिलाफ गल कर दी, उमर आया जी नहीं तेरे खैमे, धी भी कतल हो जाए ज्यादती तो बाद कतल हो जाए, उसके प्यो की गल सुनना भी रवादार ना होवन, ए तुसी चाहते हो, ओहो निगी चादर तान के सो गए पाकिस्तानी, निगी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए, लुटन वाले रज के लुटिया, जागण वाले जान के सो गए। बस ए होया है सारे नु पता है बंदा कौन है, लेकिन निगी चादर तान के सो गए। इन्हें क्या नहीं जी जैनब कई जैनबा लुटिया गई, ये तो एक जैनब का वाक्य आया, कई जैनबा लुटिया गई उन्हें जैनब, डॉक्टर राफिया सिद्दीकी की मां असर तो लैके शाह तक मैं दास्तान सुना रही, कहती तू अगर 10 दिन भी रवे तो मेरी दास्तान नहीं मुकनी, कह लगी पहले ही तो तू बंदा आया जिसे मेरी गल सुनी, मेरे ना तो फोटो खिचाण आने लो, वो घर का सारा समान विक गया, एक मकान उन्हों का रह गया, तो कह लगी मेरे को तो डालर लैके राफिया सिद्दीकी ना गल करा दे, तो डालर भी पाकिस्तानी लैने, तो वेची भी इन्हें जनाब बलग्राम इतों कराची एयरपोर्ट तो नपाई उन्हें दी, उसका पुत्र भी मैंने मिले, उसकी उम्र 20 साल है, 16 साल कुड़ी हो गए कैद, उस वे 5 साल उसकी उम्र सी। आज हमें इंसानियत के लोग दर्श देते हैं, मैं उस मुंडे को पूछा, मैं कहा तू 3 साल जब बलग्राम बेस होते रहा कैद अपनी माँ नाल, तू अपनी माँ के नाल रहा कमरे च, वो कह लगा जी मैंने तो इतों एयरपोर्ट तू ना लैदा कर दिता, मैं कहा फिर अमरीकी जेडे सानू इंसानियत के दर्श देते तेरे नाल की रवैया सी उन्हों का, वो बच्चा मैंने कह लगा उसकी उम्र 20 साल है, वो कह लगा मैं कमरे जिस अकेला कैद सी, मेरी बहन दूसरे कमरे च कैद सी, उसकी उम्र मेरा 3 साल होनी, तो यदि उम्र 5 साल होनी, तो जोड़ा दुध पीना वह बच्चा से उन्हें खस के उस वे जमीन पर मार दिता से। हमें अमल के दर्श जो देते हैं उनकी मैं बात कर रहा, वह कह लगा अमरीकी फौजी जब मेरे आते सन ना कमरे से, मैं फुटबाल बनाते सन, कोई ठोडा मार के उस कोने छुट देता से, उधरों ठोडा मार के इस कोने छुट दें, इंसानियत जेडे सानू दर्श इंसानियत देते हैं, इंसानियत जी। मैं इस्लाम दी गल्लां करना, आतम ताई दी धी नंगे सिर हजूर के सामने आई कैद होके, एक साड़ी कुड़ी कैद होके गई आफिया सिद्दीकी, एक आतम ताई दी धी हजूर के सामने आई, इकबाल कहता दुख तरकरा चू नबी बे परदा दीद, चादरे खुद पेशे रूए ऊ कशीद, आतम ताई दी धी जदों नंगे सर आई तो हजूर ने या अल मुज़म्मिल वाली चादर ला के उसके सिर उते दे दी। मैं इस इस्लाम दी गल्ला, हुज़ूर ने फरमाया क्या चाहती हो, कहा जी मुझे रिहाई दे दें, हुज़ूर ने फरमाया रिहाई हो गई, फरमाया और क्या चाहती हो, कहा एक सवारी दे दें, सवारी का खर्चा दे दें, मैं मुल्क शाम जाना चाहती हूँ, हुज़ूर ने फरमाया इसको सवारी भी दे दो, इसको खर्चा भी दे दो। जब हातिम ताई की बेटी मुल्क शाम पहुंची ना आदि बिन हातिम भाई के पास, उन्हें कैसी मैं हुज़ूर का कलमा नहीं पढ़ना, जब ये पहुंचिया ना तो उन्हें क्या दसो मुसलमाना ने तुहाड़े नाल के कीता, आदि बिन हातिम की बहन कह लगी इंज नहीं मजा नहीं आना, तू जाते सही एक बारी वेखते सही हजूर का चेहरा अनवर क्यों जा, हजूर दियां जुल्फां की हो जाए, हजूर मुस्कुराते क्यों जाए, हजूर गल्ला क्यों जा कर देन, हजूर दे हाथ क्यों जाए, हजूर चल एंज नहीं तेन समझ आनी, उत्थे एक बारी जा सही तू,
फिर मैं भी आ रही हूं कलमा पढ़न, तू चल मैं तेन लैन आई हूं। तेरी हर अदा पे है जां फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाले के हुस्न व अदा की कसम। हाँ जी मैं बच्चों गल मुकानी भी है, मैं ते इना शुक्र है दरवाजा खुल गया, मैं नहीं तो फिर नहीं सी आना, इन्हां दी मोहब्बत जी मैं आ गया। दो चार गल्लां सुन, हजूर दा दीन लियाओ, मर ते इंज भी जाना है, जांदे जांदे ऐलान हो जाना है, तुहानू अल्लाह सलामत रखे। मैं अपनी गल कर रहा, मौली खादिम मर गया, तुसा कहना इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैह, क्यों जी? जो कब्रे को हन उखड़ी तो देखा हाँ जी, ना उज़्वे बदन था ना तारे कफन था। शायर कहता पुरानी कबर मैं उखड़ी वेखी, तो ना विच कबर दा कोई कफन दा कोई निशान आया, तो ना कोई बदन दा निशान। और मैं अपनी अख नाल हज़रत शाह अबुल माली लाहौर होटल के करीब है ना, मैं उत्थे औकाफ दी तरफों इमाम सी, ते उहदा कबर खोदण लगे दरबार दे हाथ च बार, तो कबर नाल वाली खुल गई, तो कहण लगे जी बिल्कुल साफ कबर है। मैं आखिया नहीं यार, कोई तलाश तो करो ना, नाल कोई कफन कोई कोई जनाब हड्डी कोई वाल कोई शायद होण। उन्हें कहा जी कुछ भी नहीं। मैं आखिया यार नहीं कुछ तो होना है। मैं फिर असर की नमाज पढ़ के गया, तो मैं कबर में खुद उतरिया, तो मैं उतर के ते सारे हथ मारा, मैंने वाल भी कोई ना लभा। जो कबरे को हन उखड़ी तो देखा, ना उसवे बदन था ना तारे कफन था। आखिर तो इंसान इत्थे गल आकड़दा केड़ी गल तो, सैयदना सिद्दीक अकबर फरमांदे ना, इंसान आकड़दा केड़ी गल तो, गंदे कतरे चो जमया आखिर मिट्टी च रुलवे। हाँ इन्हें की करन हजूर अल्लाह दे बंदे, अज हजूर की शान ने तुसी गल्ला करो। हाँ जी अज तुसी रसूल अल्लाह की इज्जत वास्ते गल्ला करो, हजूर की इज्जत वास्ते। होवे कांस्टेबल मुमताज कादरी, जे हजूर की इज्जत उत्ते पैरा दे जाए तो 60 लाख बंदा उसके जनाजे कौन ले आया? कांस्टेबल तो लखा मरे तो अंदर भी मर जाने। हाफिज अदील होना खत्म नबूवत का फैजाबाद पैरा दिता, उसका वालिद मेरे सामने बैठे तकरीर कर रहा, मैं तो हसी जावे, अजे 40वां नहीं सी होया, और मैं आखा तेन क्यों होया हो? कहन लगा की होया जी, मेरे ना तो कभी सलाम किसी नहीं सी लिया, जदों का पुत्र मैं हजूर की खत्म नबूवत दिता पूरी दुनिया तो लोग आके मेरे हाथ चुमदे। मैं आखा इकबाल एक ही बनया, कह लगा तेन पता नहीं की मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। तवज्जो कुछ भी नहीं, बस हुजूर नाल वफा करने। ऐसे वास्ते लगे फिर दिया, हुजूर दा दीन तख्त उते लियाओ, रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते मेहनत करो। इस्लाम इतना गैरत वाला मजहब है, एक जुमला भी कोई इहदे बारे खैर दा कह देवे ना ते हजारा मुंहां विचों फिर कहिंदा तू हुण इहदी तारीफ कर। इस्लाम तो इतना हाँ जी, इहदे बारे कोई जुमला भी खैर कह देवे ना ते इस्लाम फिर कहिंदा नहीं नहीं हुण तू कोई एहसान कीता है, हुण मैं हजारा बंदियां को तेरी तारीफ करा दिया। इस्लाम किसी का कर्ज नहीं रखता, उन्हें तो सहाबा का नहीं रखा। सहाबा जाओ दिते तो जवाबन इस्लाम ने कैसर किसरे के खजाने उन्होंने कहा बस ऐ लो तुसी ऐ ले लो। इस्लाम नहीं कर्ज रखता, तुसी चल के वेखो तो सही ना यार। इस्लाम ना जिन्हें ना तुसी चल रहे हो इन्हें तो तुहाडे जनाजे भी कोई नहीं पढ़ने। हाँ जी दिल ते हथ रख सच सच दस है मुसलमान का मतलब क्या? नहीं नहीं ये तो पाकिस्तान का मतलब इन्हें चलिया, मुसलमान का मतलब अगे शेर च आ रहा, ये तो पाकिस्तान का मतलब। दिल ते हाथ रख सच सच दस है मुसलमान का मतलब क्या? जिश्के नबी नहीं सीने विच वत राज ईमान का मतलब क्या? वत हिंदुस्तान ही ठीक आसे इतने नुकसान का मतलब क्या? जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान का मतलब क्या? उस पाकिस्तान का मतलब क्या? उस पाकिस्तान का मतलब असी दसना है 2018 तो पहले पहले दसना है। हाँ इन्हें पहले पहले दसना है, हर गली विचों आवाज आए आया आया दीन आया। हाँ पाकिस्तान का मतलब क्या? ताजदारे खत्मे नबूवत, ना गाल किसी कटनी ना किसी लानत भेजनी। कितना बेहतरीन तो अल्लाह रसूल ने नारा दे दिता, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, इतों निकले
पूरी दुनिया मिर्जाइयत और लिबरल कांपन कि मुहम्मद अरबी दे शेर जाग पाए। पाकिस्तान ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। एथों निकले भाई, एथों नहीं, एथों बड़े नारे हो गए। ताजदारे खत्मे नबुव्वत फैक्ट्री भी, फैक्ट्री वादे मालिक भी खुश हो, फैक्ट्री भी जनाब खुश होवे वजद चावे कि आज ही खत्मे नबुव्वत दा नारा लग रहा। ताजदारे खत्मे नबुव्वत और ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत। एक तय नारा जिधरों भी कोई आवे वोट मंगन अगे साढ़े मुंडे नौजवान खड़े हो सुभान अल्लाह क्या मजा ही आए। और ताजदारे खत्मे नबुव्वत जी मजीद अगे कोई वधे तो उनका पाकिस्तान का मतलब क्या ला इला इल्लल्लाह दी ज़र बितनी ला। मोदी दा जनरल धमकियां दे रहा पाकिस्तान नू ताकि वो जनरल नू पता लगे नहीं 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 गजनवी के वारे सभी जाग पड़े हैं। हाँ जी शहाबुद्दीन मैनू हिंदू एक गाला कटदा फोन उते नंबर बदल बदल और मैनू कहता तू ये तकरीर क्यों करना तू की चाहता है। मैं आखा मैं चाहता भाई महमूद गजनवी फिर आवे और की चाहता। और पहले महमूद गजनवी नू गाला कटदा है फिर मैं उन्होंने जो जवाब देवा तो फिर वह मैनू भी कटदा। सदियां गुजर गई हजार साल से गुजरन वाला तो महमूद गजनवी हिंदू अज भी हिंदू का गुस्सा ठंडा नहीं होया। आखिर कोई गजनवी जरब ला गया तो पता है गजनवी की चीज इन्हें तो जाके मूर्तियां से दुध चाड़े ना तो महमूद गजनवी जो सोमनाथ का वड्डा बुत तोड़न लगा ना तो पूरे हिंदू आ गए। उन्हें क्या ओए जितने पैसे लैने लै लै जितना सोना लैने लै लै बुत ना तोल के लै लै लेकिन साडा बुत ना तोड़ी लख सलाम हो गजनवी। उन्हें क्या ओए किसी होर नाल गल करना मैं जिस नबी का कलमा पढ़िया वो बुत वेचण नहीं आए बुत तोड़न आए। हजार साल अजे गुस्सा ठंडा नहीं होया। हजार साल तो बाद भी महमूद गजनवी नो मैनू कहना तू चाहता किवे मैं कहा पुत्र असि चाहते हैं भाई गजनवी फिर आवे शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी फिर आवे इल्तमश फिर आवे अलाउद्दीन खिलजी फिर आवे औरंगजेब आलमगीर फिर आवे शेर शाह सूरी फिर आवे यूसुफ बिन ताशफीन फिर आवे मूसा बिन नुसैर फिर आवे तारिक बिन ज़ियाद फिर आवे नूरुद्दीन जंगी फिर आवे सलाउद्दीन अयूबी फिर आवे महमूद हजरत खालिद बिन वलीद का गुलाम फिर आवे। क्यों क्यों जी इन्हों कोई है जनरल है हिंदुओं को गां का मूत्र पीण वाले हसने वाली बचे गल नहीं तो रोन वाली बात गां का मूत्र पी के सानू दुध तड़िया लादा असी तो दुध पी लिया गां जी। हाँ हाँ बिल्कुल ए जनरल ये सारे टीवी तो कहें जवाब मौली खादे नहीं दे सकता। मैं क्या तुम खाली हलवा खोर हो वैसे तबसरे तुम करते हो जो डाढ़ी गल की वारी आवे तो कहते नहीं बोली खादिम देगा जवाब। मैं दूसरिया गल् भी मेरिया मनो ना। हाँ जी जो ट्रंप न जवाब देना हो मैं देना। हाँ जी ट्रंप न मैं जवाब देना मैं ट्रंप न क्या मैं क्या तेरे फौजी तो पीने मूत्र शराब मूत्र ही होता ना। हाँ कोई शराब पीवे या पेशाब पीवे गल तो एक ही है। हाँ जी मैं क्या तेरे फौजी पीते मूत्र साढ़े फौजी पीने दाल साडे फौजिया के हाथ च हाथ पवा जो उंगलियां भी इंजे ना बन दतियां तू गल करी जनाब पहले तो हाथ च हाथ पवा तू तू जे खालिस खुराक खाने वाले साढ़े फौजी मिलावट वाली खुराक खाने पुत्र मैदान मैदान ला तो सही ना तू। हाँ ये कोई लुगा है पाकिस्तान पाकिस्तान साइया वाला है साढ़े को शाहीन मिजाइल भी है गौरी भी है हतफ भी है खालिद टैंक भी है दरार टैंक भी है साढ़े को फौज है जेडे टैंक देख के नसते नहीं टैंक देख के सिर थले करके टैंकों थले लेट के कहते हैं सितम कर धरा हो ना आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हाँ जी ट्रंप कौन आता चूड़ा सानू धमकियां देना क्यों जी गां का मूत्र पीने वाला हिंदू कौन आता साढ़े को शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी है तो ना लेंदे जाओ तो हिंदू इंजन कम दिन इंजन कम दिन कहते ए की करूगन ए ताइया तो कहें तू इन्हों के ना क्यों लेंदा मैं क्या मैं इन्हों के ना लैके जवान हो जाता जवान हो जाता क्यों जी। इकबाल पूछा उन्हें क्या तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे हक तुझे मेरी तरह साहेब असरार करे है वही तेरे जमाने का मैं इमाम पर हक नहीं मैं तो कुत्ता पाक रसूल
मैं सिर्फ हजूर की उम्मत को बेदार करना, मतलब तुम कहो मैं अपने बारे शेर पढ़ रहा, अपने बारे नहीं पढ़ रहा। मैं कहना बंदा तकरीर यो जी करे अगले तो धूं तो निकले। क्यों जी? इकबाल कहना है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे और फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। क्यों जी? और फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। इकबाल कहता वो तेरा रहनुमा नहीं हो सकता जो हुक्मरानों के पीछे तुम्हें लगाए। कहता वो तो बहुत बड़ा फितना है उम्मत मुस्लिमा के लिए। कह लगा ना वो इमाम नहीं है, इमाम वो है कि मौत के आईने में दिखा कर तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। इकबाल कहना मौत के सामने तेन खड़ा करके कवे हाँ जी इधर जाना है या इधर जाना है, तो तू मौत ना टकरा जा ते मौत पिछे वेख के हट जाए। नहीं नहीं ये तो मुहम्मद अरबी का शेर है तो मैनू भी डा देगा जनाब। हाँ इकबाल इतने आके गल की। हाँ जी ये कि इमामत हुई बंदा हुक्मराना के पिछे कौम लाई फिरे। हाँ चूंकि हालात ऐसे है, चूंकि हालात ऐसे है, जे हालात वाल मैं चलता ना तो लाहौरों ही नहीं सी निकलना। त्रै बोरिया सन साढ़े को सिर्फ छोले दियाँ पैसे। क्यों जी? त्रै बोरिया छोले दी असं लैके निकले। हाँ जी वो तो जनरल बेचारे भी जाके सैनेट एग्जाम देना पाया। उन्हें क्या इन्हों दुहारा साढ़े हाथ च कोई नहीं सन, जे साढ़े हाथ च हो तो इन्हों जेलम रोक लेना। कोई साबित करके विखाओ, गल्ला नात गल नहीं ना बनती जी। क्यों जी? असी तो छोले लैके गए इस्लाम क्या बस तुम हूं आ गए हो। दसो जी उत्थे केड़ी नेमत जिहड़ी नहीं मिली? वी किस्म के हलवे मिले सानू। जरदारी का मुंडा कहता इन्हें हलवे खतरे च पै गए। मैं क्या जलिया साढ़े हलवे तो अंग्रेज खतरे च नहीं पा सके, तुम कौन हो साढ़े हलवे? साढ़े हलवे महंगाई भी हो गई ना किबला, असं इन्हों कहे चलो डाल्टा पा के हलवा पका दो, देसी ना सही गिरिया बदम ना सही, लेकिन यह तो नहीं ना होना भाई जरा मूत्र ये पीते तो कोई तस्वर ही नहीं ना इस्लाम। हाँ जी असी तो हलवा मुड़ के खाते ना। और कहा अनस बिन मालिक फरमाते मैं 10 साल खिदमत की ते मैं हुजूर दी पसंदीदा चीज के वे कि हलवा इस माने च नहीं है जिस हलवा मुतलकन मिठे दे माने च जेड़ा अनस बिन मालिक कहंदे ने। फरमांदे ने कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मैं 10 साल हुजूर दी खिदमत की, मैं हुजूर नु वेख्या हुजूर पसंद की फरमांदे सन। कान रसूलुल्लाह युहिब्बुल हलवा वल असल कहंदे ने मैं वेख्या ते रसूलुल्लाह मिठी चीज नु पसंद फरमांदे सन ते नाल शहद नु पसंद फरमा। इस हदीस तो साबित होता भाई शुगर शुगर मिठे का कोई तल्लुक नहीं। बिल्कुल शुगर वाले बेशक मिठे खादा कर। हाँ जो हजूर की पसंदीदा है तो कमाल। ये और ही कोई अंदर दलां पिछलियाँ यह जड़ियाँ मिलावट वाली वरना मिठे शिठे ना हजूर की पसंद जिस फरमान तो मुजर नहीं ना हो सकता। हाँ बिल्कुल हाँ शुगर वाले रज के शायद खान। हाँ जी हाँ खजूर खान। क्यों जी? हाँ बस है मिलावट वाली चीजा इंशाल्लाह लबैक की हुकूमत आन दो जनाब खालिस चीज हर शह लगे। बिल्कुल खालिस चीज नंबर दो माल नहीं विकना पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल पाकिस्तान ही नंबर दो माल नहीं विकना। एंज लोग अपनी जकात रोडा ते रख जानिया उन्होंने पता होना है भाई जेडे अगले लैण आए ने बद्यानत नहीं। हाँ जी जो बंद उत्ते बद्यानत ना हो जनाब थले भी बद्यानत कोई नहीं होता। अच्छा वो पीर मेरे अली शाह साहब वाला खत रह गया। अच्छा जी मेरे अली खत लिखिया सरफराज खान नू। हाँ जी वो कहने वो खत विच छड़ गए बादशाह वो खत सुनाओ। लो जी मेरे अली खत लिखिया सरफराज खान नू कि कुछ खावे कुछ पीवे कुछ भेजे रहमान नू। ते इतना फखर नहीं चाहिदा इस कबर दे मेहमान नू क्योंकि उत्थे रह गए पीर मेरे अली शाह साहब कदी नहीं सी आया। तो फरमाया इतना फखर नहीं चाहिए इस कबर दे मेहमान नू ओड़क उस गुड्डी ने टुट जाना जिड़ी चढ़ी आसमान। उन्हें जदों पढ़िया ना शेर तो उसकी मौत करीब आई सी अल्लाह दे वली दा शेर पढ़ के दुनिया तो ईमान लैके चला गया। फरमाया तू तो साढ़े नाल इंज किया लेकिन जा जांदे जांदे मेरे अली शाह तेन तव जी दोबारा लो जी दोबारा जना मेरे अली खत लिखिया सरफराज खान नू मेरे अली खत लिखिया सरफराज खान नू कुछ पी खावे कुछ पीवे कुछ भेजे रहमान नू इतना फखर नहीं चाहिदा इस कबर दे मेहमान नू ओड़क उस गुड्डी ने टुट जाना जड़ी चढ़ी आसमान। वो गुड्डी तो फिर उस वेले टुट गई।
हाँ जी, लेकिन फरमाया तू साढ़े नाल इंज कीता ते मैं जिस खानदान चो आना, क्या बात रजा इस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल धन फूल जकन फूल बदन फूल। फरमाया तू सानू न मिलिया लेकिन हुण तेरा जान दा वक्त आ गया, ते जांदे जांदे मेरे लिए दा नां ते पढ़ लै, ईमान ते लै जा। एक बारी फिर पढ़ा, लो जी अज, लो जी वाह सुभान अल्लाह। मेरे अली खत लिखिया सरफराज खान नू, कुछ खावे कुछ पीवे कुछ भेजे रहमान नू, इतना फखर नहीं चाहिदा इस कबर दे मेहमान नू, ओड़क उस गुड्डी ने टुट जाना जड़ी चढ़ी आसमान। क्यों या रसूल, या लब्बैक या रसूल। आप जिंदाबाद जनाब, तुहाड़े जा बुजुर्ग जिंदाबाद, हाँ जी तुसी जिंदाबाद, ऐ सारे जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो जी, अनिल हसन इब्ने अली, लो जी हुण फिर मैं आले बैत दी गल छड़ी दिल। अनिल हसन इब्ने अली काल साहब, फिर उस तो बाद पीर मेरे अली शाह साहब दे शेर ते मेरी गल मुक गई, बस इतनी गल। ठीक है जनाब, इजाजत लो जी। ओ नहीं नहीं, इतनी गल होनियां चले, और एना इतना लंगर पकाया रजन वास्ते तो लंगर होंदा ए, मैं जड़ी हदीस पढ़ा कहती थी बड़ा टाइम लग जाना। हाँ अनिल हसन, तवज्जो, अनिल हसन इब्ने अली, अनिल हसन इब्न अली काल साल दुखाली हिंद अबनाबी हाला वकान वसाफन अन हिलियत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अश्तयय सिफली मिना तअल्लक बिही फकाल कान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फखमन मुफखमन यतलालो वजू तलालो अलकमर लैलतल बद्र अतवल मिन अलमरबू वाक्सर मिन अलमुशज्जब अजीम अलहामद रजल अशार इन फरकत हकीकत फरकहा वइल्ला फला युजावज शारु शहमत उजुनै इज ववफरहु अजहर अल्लौन वासि अलजबीन अजज्जल हवाज बिसवाबिग मिन गैर कर्न बैनो माइरक युदिर्रु अलगदब अक्न अलइरनीन लहु नूर यहसिबहु मन लम यतअम्मल वशम्मक सल्लिहया साल अलखद्दैन دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسروبه كان عنق وجيد دميه في صفاء الفضه معتدل الخلق بعد متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبد والسره بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحه شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو انما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشيه اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره الى الارض اكثر من نظره الى السماء جل نظر الملاحظه يسوق اصحابه يبدا ملك السلام। इदा तर्जमा फिर पीर मेरे अली शाह साहब की ता तैफो सरा मिन तलाती व शज्व बदा मिन वफरत ही फसकर तो ना मिन नजरत ही नैना दिया फौजा जद चढ़िया दो अबरू कौस मिसाल दिसन जत नोके मिया दे तीर छुटन लबा सुरखा खां के लाल यमन चिटे दन मोती दिया हिन लड़िया इस सूरत नू मैं जाना खां जाना उनके जाने जहाना खां सच आखां ते रब दी शाना खां जिस शान तो शाना सब बनिया यह सूरत है बेसूरत थी बेसूरत जाहिर सूरत थी बेरंग दिसे इस मूरत थी विच वहदत फुटिया जद घड़िया यह सूरत शाला पेशे नजर रहे वक्त नजाते रोजे हशर कबर ते पुल थी जद होसी गुजर सब खोटियां थी सन तद खरिया सौफा योती का रब का दास तुसा
फतरदा थी पूरी आस असा लजपाल करे सी पास असा वशफा तो शफा सही पड़िया लाहो मुक्तो मुखदत बुरद यमन मन भामरी झलक दिखाओ सजन ओ मिठिया गाली अलाओ मिठन जो हमरा वादी सन करिया इना सिक दिया ते कुरला दिया ते लखवारी सदके जांदिया ते इना बरदिया मुफ्त वेकांदिया ते शलावत भी आवन ओ घड़िया सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखिया किथे जा लड़िया तवज्जो इमाम हसन ते फरमाया नबी मेरे नाना जान के अबरू इतने खूबसूरत थे कि बंदा देखते हुए रह जा तो पीर मेरे अली शाह साहब फरमाया दो अबरू को उस मिसाल दिसन जै तो नोके मिया दे तीर छुटन फरमाया की पुछदे हो बस इंजे जिवें तीर बंदे नूं घायल कर जांदा सी ना पीर मेरे अली शाह साहब फरमांदे ओ मेरे जद्दे अमजद इमाम हसन ने इंजी लिखिया मैं जो आप दे अबरू वेखे तो अबरू वेख की मेरे अली शाह डह पै जा क्यों जी फिर जुल्फा इमाम हसन ने फरमाया मेरे नाना जान दियाँ जुल्फा मुबारक इस्त्रियाँ सन फिर कंघी फरमाते कितने तक आंदियाँ फिर हजूर की मांग मुबारक थे फिर मेरे अली शाह साहब फरमाया तैफो सरा फरमाओ जुल्फा में खुशबू इंज उठी मेरे अली शाह उठी डह पिया मैं क्या फिर और की होया फरमाया लिखिया पढ़िया सब भुला रही मैं अज जे लोग कहते मैं हजूर की ज्यारत हुई उन्होंने चेहरे उत्ते मैंने कोई असरात नहीं नजर आते मैं फिर परेशान हो जाता हाँ जी कभी जिंदगी तमन्ना भी नहीं गुजरी कि हुजूर दी ज़ियारत होवे हाँ जी कभी भी मैं तमन्ना भी नहीं गुजरी अब मैं बाद जी वगैरह ज़ियारत हुई तो मैं फिर परेशान हो जाता मैं उन्होंने कभी नहीं उन्होंने कुछ किया लेकिन मैं क्या यार ज़ियारत होवे तो फिर हालात इंज बनते जिवें पीर मेरे अली शाह दे बने लिखिया पढ़िया सब भुला रही एक नाम सजन दा गा रही रग रग ते लू लू साहा नाल दिल लग्या बेपरवाह नाल क्यों दिल लग्या बेपरवाह नाल जिथे दम मरण दी नहीं मजाल सल्ला लहे जुल जलाल मैनू कई कहते मैं इतनी बारी ज़ियारत हुई मैं पीर मेरे अली शाह साहब तो कहते की भुज के वांग कबाब होए पीते बाद शराब खराब होए सरशार ते बेताब होए उना खूनिया मस्त निगाह नाल की विच गमा गलतान होए अंदर याद सजन मस्तान होए हैरान ते बहु परेशान होए उना पेचिया जुल्फ सियाह नाल दिल लग्या बेपरवा आदम थी ता ईसा मसीह उते नफसी बुले सी हर नबी उते आख सी हिक्का उम्मती अहमद नबी साहेब कमाल दिल लग्या बेपरवाह नाल जिथे दम मरण दी क्यों जी बेपरवाह जो है मैं जो उन्हें हमला कर दिता ना सत तरफों तो मैं जबानी ते नारे ला रहे सी लेकिन मेरा दिल उधर मुतवजे सी मैं कह यार रसूल्ला जी अज असी इतने जबा हो गए हूँ आया तैयार लेकिन जबा हो गए ना इन्हें सानू मार दिता तो हजूर फिर खत्म नबूवत उत्ते गल जल्दी जल्दी किसी ने नहीं करनी हाँ मैं ये नाल जरूर अर्ज कर सी मेरा दिल उधर मुतवजे सी पूरा जबानी मैं कह रहे सी कि ना ना ताजदार खत्म नबूवत पाकिस्तान का मतलब क्या लेकिन मेरा दिल अरज कर रहे सी मैं कह यार रसूल्ला हुण असी जित के आया तो लोग नहीं खड़ा देंदे हाँ जी जित के आया तो कह जी पैसे लैके आए इंज हो गया इतने पेट दर्द उठे खड़े ने जी असी उत्थे शिकस्त खा के आंदे हाँ जी मुआहदे करके आंदे ते तीसरी कोई राह कढ़ के आंदे तो लोग सानू जिंदा रहन देना सी लोग कहना सी वाह वाह ते मुनाफिक ऐ ते फलाने ने ते जनाब नंबर दो वन असी जित के आए ते वजीर दी पूरी टिंड करके आए क्यों जी ते लोग हुण नहीं खड़ाउंदे ते मेरे ही यार असी बार बार मैं कह यार रसूल अल्लाह 1953 विच 10,000 बंदे मुसलमान दिते 1,25,000 बंदा कैद होया लेकिन जफरुल्ला खान वजीर खारजा फिर भी मिर्जाई ना हटिया ते असी ते 8 दे के बड़े सस्ते छुटे हाँ जी असी ते 8 दे के बड़े सस्ते छुट के आए
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸਕੀਨ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਛੋਲੇ ਖਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਠ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਸਤੇ ਛੁੱਟੇ ਵੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਨੇ ਸਸਤੇ ਛੁੱਟੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੱਦ ਉਸ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਸਭ ਤਰਫੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਹਵਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਹਵਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਗਲ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਸਿਆ, ਮੈਂ ਖੈਮੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੇ ਵੱਟੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਟੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਯਾ ਰਸੂਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਨ, ਬੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨ, ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਲਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਫਰਿਆਦ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇਂਗੇ, ਇਤਨਾ ਵੀ ਤੋ ਆਹ ਜੋ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਯਾ ਰਸੂਲਾ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ? ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੰਝੇ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਟਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉਤਰਿਆ, ਡੰਡਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਸੇ ਘੰਟੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਠਹਿਰੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਰੱਪੜ ਪਵਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਆਮ ਤਰੱਪੜ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੀ ਜਨਾਬ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਲਬ ਇਲਮ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲੀ ਖਾਦੇ ਮੀਨਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਖੈਮੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਖੈਮੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੰਢ ਲਵਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਲੀ ਖਾਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੜਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇੰਜਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਕਤਦਾਰ ਕੁਵਤਾਂ ਜਨਾਬ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹੋ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਖਾਓ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੇਖੇ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਵਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਹੀ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਸਹੀ ਤੇ ਦੀਨ ਕੰਢ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੀਨ ਇੰਝ ਆਉਣਾ, ਇੰਝ ਆਉਣਾ, ਦੀਨ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ
लोग कहते हैं पैसे कौन देता है, मैंने 75 लाख रुपया उतने लोग मेरी जेब इतने सुट गए, 75 लाख रुपया मैं गठड़ी बनवा के लाहौर ले आया, मैं कहा गिनो मुंडे जब तो गिने तो 75 लाख रुपया। वो कहते सर इनको कौन देता है, मैं कहा जाओ कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आता है फकीरों पे उन्हें, खुद भीख दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो, और जब वो भीख देने को सरे कुए गदाया आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला। लब वहां है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। क्यों जी असि फिर ओही शहीदों के घर जा दिता, ओही जख्मियों नु जा दिता, ओही कंटेनर के किराए देते, असा कम प्यो को थोड़े लेने। मैंने कहते कितों लवोगे, मैं आख कितों ने पुत्रो चलो तो सही। हाँ जी जैसी अगर मगर नाल करते रहे। इकबाल कहता जमाले इश्को मस्ती नै नवाजी, जलाले इश्को मस्ती बेनियाजी, और कमाले इश्को मस्ती जरफे हैदर, और जवाले इश्को मस्ती हरफे राजी। इकबाल कहता कमाले इश्को मस्ती ये और मौला कायनात दी, लेकिन जवाले इश्को मस्ती की वे चूं क्या ऐसे था तो चूं क्या ऐसे था तो चूं क्या ऐसे था। इकबाल कहता जब चू चू सुने फिर समझ लवी उथे इश्क कोई नहीं बाकी सब कुछ है। हाँ उथे इश्क कोई नहीं। हाँ जी इश्क जड़ा ना अगर करन देंदा ना मगर करन देंदा, ओ जाके फैजाबाद बिठा देंदा। फिर ट्रंप ही हुण पता क्यों कहंदा ट्रंप पैसे वापस करो, ट्रंप कहंदा ओए असी तुहानू इतने डॉलर दिते मौलवियां नू थले लियाओ, दीन नू इतों देश निकाला दियो, मौलवी मुड़ के तुहाडी टिंड कराए, ओ साडे पैसे वापस करो। दिल ते हाथ रख सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या, वापस आओ हजूर दे दीन दी तरफ, बस हजूर दा दीन तख्त उत्ते लियाओ। ते इंज नहीं आना सुत्या सुत्या, मेहनत करनी। हर बंदा कवे मैं लियाना, हर बंदा की कवे मैं लियाना, और किस तरह लियाना है जितनी ताकत है उदे वास्ते, जितनी अपनी ताकत सर्फ करे। मैं जो मरना होंदा ना तो मैं आसू गैस खा के वाकई मर जाना, इतना मेरी अंदर आसू गैस गई। कुछ दिन मेरे गुरदे जड़े नो जवाब दे गए, 2-3 दिन तो कहें जी फलाना टेस्ट कराओ, मैं कहा टेस्ट आंदा तो हुण दौर ही नहीं रहा, हुण मैं टेस्ट करावां तो फिर काम किने करना। मैं दवाई लैण गया शेख जैद अस्पताल, और डॉक्टर साहब कहने लगे नहीं नहीं आपको बड़े टेस्ट कराने पड़ेंगे ये वो। मैं कहा कोई दवाई लिख दो फिलहाल मेरा दर्द तो मुमकिन है, उन्होंने मैंने दवाई लिख दी दर्द की। मैं कहा बहुत दर्द हो रहा, मैं रात भी पूरी नहीं सुता, तो तुम मैंने दवाई लिख दो दर्द मुके। उन्होंने कहा लै दवाई लै दर्द ए फलाना टेस्ट कराओ फलाना टेस्ट कराओ फलाना टेस्ट कराओ। मैं घर आया ना तो मैं गुरदे ते हाथ रखा, मैं कहा तुम इंसान बनो ठीक हो जाओ। मैं कह सहाबा शेरां नाल गल कर सकते, दरियावां नाल समुंदरां नाल, मेरे जन नाल लै गुरदियां नाल ही गल कर सकते। क्यों जी सहाबा दरिया नूं क्या राह दे, ओए ते राह ते दे दिता। उन्हें क्या शेर नूं क्या हटो, मैं मुहम्मद अरबी का गुलाम हाँ, शेर लम्मा पै गया। क्यों जी ते मैं कह मेरे जन नाल लैक आदमी चलो गुरदे नेड़े इन्हें ना तो गल कर सकते। मैं दोवें हाथ रखे इन्हें ते मैं कह तुसीं ठीक हो जाओ, लत्तां तो मैं पहले दित्ती बैठा तुहानूं भी मैं दे देना। क्यों जी और डैल से लखा दुनिया करांदी फिरदी, मैं कहा मैं भी लैने लग जावां, लेकिन तुहानूं पता होना चाहिए असीं ताज़ा ताज़ा हजूर दी इज्जत ते पैरा देखा। तुहानूं की होया, मैं आखा दूआं मैं मूंह च खादा, तुहानूं इत्थे जाके की होया जनाब। उस दिन दा अज दा दिन दोबारा गुरदे दर्द नहीं होए बिल्कुल, ना कोई टेस्ट कराए। नहीं नहीं गल इंजी है कि भाई जिन्हां दे सदके खा के आया उन्होंने की लगा, मैं उनके सीधे हो जाओ तुहाड़ी। क्यों जी क्यों जी इस्लाम की पावर तो वही है ना। हाँ जी दरियावां नाल गल हो सकती तो इन्हां नाल नहीं हो सकती। हाँ नुत काबो नुत खाको नुत गिल अद हवास महसूस अहले दिल, मौलाना रूम फरमाते ना जेड़े हजूर के गुलाम होवन तो पानी ना भी गल्लां कर दें मिट्टी ना भी गल्लां कर दें, लेकिन होवे कोई मुहम्मद अरबी का गुलाम तो फिर गल कर सकता। उस तो बाद मैंने कुछ दिन की बनया, मैं ठीक ठाक पहले नाल भी तेज हो गया। ये भी एक राज है मेरी टंगा वाला, नहीं तो यह कि बेचारा मसला है कोई खड़ा होना मसला है, ये भी गल विच हो रहा है। मैं वेख के लोग कहते हैं पहले ही मरिया इन्हू की मारना, चलो जान दो ये भी एक राज है। नहीं नहीं वाकई कह दो पहली अच्छा सी समझो पहले ही मरिया इन मत्थे लाने वाली गल है, ये भी एक राज है। हाँ जी ये मेरी बीमारी का। हाँ जी ये अल्लाह ताला दा अपने एक राज होंगे ना जनाब। हाँ जी वरना बेचारी भी टंगा शंगा दी की गल है, ये तो वैसे ही चल पड़ गया। हाँ जी कोई मसला नहीं, हुजूर नाल प्यार करो बस।
رسول اللہ نال محبت کرو اور انے واہ پیار کرو جدوں بھی حضور دی گل آوے ان کہو کہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علما وچ پھسا ملا حضور کی بات لو جی میں گل بڑی لمبی کر دیتی تواڈے تے میں آ بھی گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اس تو بعد جڑی گل ہے نا ختم نبوت تے حملے تو بعد اگر کسی نو سمجھ نہیں آئی تو اپنے ایمان دا جائزہ ضرور لوے ایک بار ہاں پکی گل ہے ہاں میں تو اڑنا بالکل ایماندارانہ بات کر رہا کوئی تعصب تو بغیر فلانی پارٹی نہ کسی نہ ساڑے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اے گل ضرور ہے کہ انہوں یار ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا پہلے مندے ہی نہیں سمجھے منے تو پھر کہہ دیں جی نہیں وہ کلرکاں دی غلطی ہوئی پھر کلرکاں دا جو تو کیا ہونا کہ 34 بندے دی غلطی کہ 34 نہیں پوری اسمبلی دی غلطی ہوئی ہوئی تے ہے نا یار منو اسی تانوں کہن گئے تے تساں مٹ کے 8 لاشاں ساڈے موڈے تے ٹنگ دتیاں کہ جناب 8 لاشاں لے جاؤ تسی قیامت والے دن زندہ در گور بچیاں نو پوچھا جائے گا ویز الموت تو سوئلت بے یہ ذنبن قتلت کہ تانوں کنے زندہ در گور کر دیتا قرآن کہندا ہے اس ویلے تو بچیاں بھی کہن گیاں نا یا رسول اللہ تسی جے نہیں سی آئے تے ساڈے پیو نو کی پتہ سی بچی دی کی قدر ہوندی اے تے تسی آ کے دسیا نا من رب بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا فرمایا جنے دو بچیاں پالیاں تے انہاں نو بوجھ نہیں سمجھیا میرے آقا نے فرمایا جنت انج میرے نالوں نے داخل ہو جانا او زندہ در گور کیا بچیاں تے بول پین گیاں نا حضور تسی جے نہیں تشریف لے آئے تے پھر ساسا دا زندہ در گور ہونا سی لیکن حافظ عدیل کو پوچھا جائے گا تو کیویں قتل ہویا وہ کہے گا جی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاں گا کیوں جی حافظ عاشر کو پوچھا جائے گا حافظہ تینوں کیوں گولی لگی اے حافظ صاحب پیچھے بیٹھے میں انہاں نوں تاں اوتے بٹھایا کتے گئے حافظ صاحب جی حضور ہاں انہاں دا ایتھوں کام صاحب کتے لگے سی تانوں بٹا اے جی حضور ہاں سارا جناب عشر و نشر حافظ صاحب ایتھے خون و خون ہوئے سن میں انہاں نوں تھلے ویکھیا ٹرالے دے تھلے کھڑے ہوئے تاں وی کہہ رہے سن تاجدار ختم نبوت اور 21 دن حافظ صاحب بالکل میرے سامنے بیٹھے رہے ٹرالے دے تھلے نہ انہاں نوں سردی لگی نہ انہاں کدی بھوک محسوس کیتی نہ انہاں جدوں وی بلکہ جس ویلے بارش ہوئی نا تے حافظ صاحب تے انہاں دے ساتھیاں نے کمیزاں وی لا دتیاں او میں کہو کمیزاں تے پائی رکھو انہاں کہے کی سمجھدے سن اسی بارش نال نس جانے اسی اگلا وی کمیزاں لا دتیاں حضور اسی دا صدقہ مدینے شریف دی حاضری ہاں اس دا صدقہ پھر مدینے پاک وی ہو گیا ایک وٹے دی قیمت ہے ویک لو ایک وٹا نہ کھادا تے حضور نے بلا لیا حافظہ پریشان نہ ہو لے تو آ کے میرے مدینے دی زیارت کر جا ہاں جی تے اے جناب اوتھے 11 دن اے وی بیٹھے رہے انہاں نوں میں تاں سٹیج اوتے بلایا میں آکھیا نہیں نہیں اے تھلے بیٹھن والا بندہ تے نہیں نا 21 دن تھلے بیٹھا رہیا اور میں ویکھیا اوتھے ساڈے بچیاں دے تھلو پانی جا رہے سی سردیاں دے تھلے لوک اوتے بیٹھے سن تے پھر بھی انہوں نے محسوس نہیں ساڑے کو نہ کسی روٹی منگی نہ چھتری منگی نہ پانی منگیا ایک دن راتی میں جدو محفل مکی نہ میں پگڑی لا کے ٹرالے تھلے ٹائرہ نال ستے سی میں منڈے نو کیا میں کہ یار میں چادر دیو تو میں ویکھدا ساڑے ساتھی کیویں ستے ہیں میں کیا جناب تے لوک ہوتے ستے ہیں تے چادر صرف کر کے ستے ہوئے جے جاگ دے ہوندے تاں اٹھ کے میرے نال سلام لینا سی سارے انج ستے ہوئے سن جویں بادشاہ تخت ہوتے سن حضور واسطے جے گئے سن کیوں جی اضلاع فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی بی احوال و نیات و عزائم و خواتر و ذالک عند جلی اللہ خفا بھی امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں میں کس نیت نال ایتھے آیا بیٹھا ہوں تسی کس نیت نال آئے بیٹھے حضور کو یہ بھی پتہ ہے اب میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے حضور کو یہ بھی پتہ ہے جب حضور کو یہ پتا ہے تو ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت ہی بھائی ٹھنڈ آ رہی ہے بارش ہونے والی ہے ہاں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ بات کرنے کی ہاں ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ دل پر جو بات گزرتی ہے وہ مالک دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ قیامت تک فیض آباد کا دھرنا یاد رکھا جائے گا ٹرمپ نو بھی پریشانی مودی نو بھی پریشانی اسرائیلی پتا ہے نا صدر آیا کی نہ آیا ادھر اسرائیلی صدر نہیں بھائی ہاں جی اچھا بنیامین اچھا جی وہ بھی بھارت آیا انہوں نے کیا 100 سالہ مولویاں ساری محنت ضائع کر چھڑی اے پھر کہہ دین آیا آیا دین آیا لو اسی دین نو کڈن واسطے 100 سالہ محنت کیتی اے مولوی پھر کہہ دین دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نہیں دیکھو میں اتنے مہینے ہو گئے بول رہا ہوں دن میں 4 تقریریں بھی کرنا آج جمعہ بھی پڑھایا سا میرا گلا نہیں بیٹھا تو آڈا روٹی کھا لی کھانی ہے نا تے خدا نے بندے وہ ہضم کرو نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہاتھ چک کے
ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸਨ ਐ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ? ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੁੱਕੋ। ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ? ਦਸਤੂਰ ਰਿਆਸਤ ਕਿਆ ਹੋਗਾ? ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਆਇਆ ਦੀਨ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਆਇਆ ਦੀਨ ਆਇਆ, ਆਇਆ 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 ਦੀਨ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਆਇਆ ਦੀਨ ਆਇਆ।